सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो विटामिन डी है उसकी नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हैं। किसी भी आर्टिफिशियल सोर्सेस या आर्टिफिशियल दवा का उपयोग किए बिना ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपकी जो विटामिन डी की कमी है शरीर में पूर्ति हो जाए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि शाकाहारी लोगों खा सकते हैं, और उन चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा जो कि मांसाहारी लोग खाते हैं या फिर मांसाहार के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अच्छे विटामिन डी के स्रोत हैं वो है मछली, दूध, अंडा, संतरे का रस, अनाज, मशरूम, कस्तूरी, पनीर, कॉड लीवर ऑयल, पोर्क यानी होता है सुअर का मांस। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है और सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि शरीर जो हमारा है वो विटामिन डी का संश्लेषण भी करता है, और वो तभी कर पाता है जबकि सूर्य का जो प्रकाश है हमारे शरीर को मिले। तो ऐसे में यदि विटामिन डी का सही ढंग से हमारे शरीर में उत्पादन होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा समय सूर्य के किरणों के नीचे भी बिताएँ, ताकि आपके शरीर में विटामिन सी का सही ढंग से उत्पादन होता रहे और विटामिन जो डी है उसकी कमी आपके शरीर में किसी भी तरीके से ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों, ये दोनों तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर शाकाहारी लोग हैं वो दूध ले सकते हैं, संतरे का रस, अनाज, मशरूम, कस्तूरी, पनीर, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और जो मांसाहारी हैं वो तो दोनों चीज़ों को खा ही सकते हैं, लेकिन उनके लिए मछली और सुअर का मांस और अंडा, ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि वो विटामिन डी की कमी को अपने शरीर में पूरा करना चाहते हैं या विटामिन डी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उम्मीद दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।